ये है एक अनोखी दोस्ती, गिलहरी और इंसान की दोस्ती। ऐसे तो बहुत से दोस्ती आप लोग जानवर और इंसानों की देख। वाह 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 वाह, कमाल है भाई। देखिए ये दूध पी रही है और चम्मच को पकड़ लेती है तो छोड़ भी नहीं रही है। देखिए देखिए, बेचैन बेचैन है बिल्कुल दूध पीने के लिए। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में। और आज हम आपको जो न्यूज़ दिखाने वाले हैं, जो आज आप वीडियो देखेंगे, एक बहुत ही अनोखा वीडियो होगा। इंसान और जानवरों की दोस्ती की एक इतिहास रहा है हम लोगों के यहाँ। और इस तरह का इतिहास आप भगवान श्री राम को देखेंगे तो उनके जो सैनिक थे वो बंदर भालू थे। और यहाँ पे आप जिस शख्स को देख रहे हैं, इनकी एक अनोखी जानवर से ही इनको प्यार हो गया है और उस जानवर को भी इनसे प्यार हो गया है। कुछ दिन पहले आप सभी देखे होंगे कि एक शख्स है जिनका दोस्ती हो गया था एक सारस से, और वो जिधर जिधर जाते थे सारस वहीं पे जाता था। और यहाँ पे एक शख्स है, इनको दोस्ती हो गया है एक गिलहरी से, जिनको भोजपुरी की भाषा में हम रुखी कहते हैं। और गिलहरी इतनी तेज जानवर होती है कि अगर कहीं आप उसके पास जाएंगे तो इतनी तेज़ी से भागेगी कि आपकी नज़रों से ओझल हो जाएगी, यानी पकड़ में नहीं आती है। लेकिन ये अपने प्रेम के बदौलत, प्यार के बदौलत उस गिलहरी को अपने बस में कर रखे हैं। और ये जहाँ जाते हैं वो इनके शरीर पे ही रहती है, सोते हैं वहीं पे वो गिलहरी सोती है, और जो इनका बाल है उसी को वो अपना मांद बना रखी है। अब देखिए यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं, ये गिलहरी है और ये बहुत बेहतरीन गिलहरी है। यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं और ये इन्हीं के साथ रहती है। अब हम इनसे बातचीत करते हैं। ये हमारे हाथ पे आ गई, ये काटेगी नहीं ना? नहीं 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 काटेगी नहीं। चलिए, परवरिश हुआ है जो इंसानों के बीच ही हुआ है। इनकी आंखें जो खुली है, हम इंसानों के बीच ही खुली है, इसलिए इंसान ही अब इनको अपना परिवार लगता है। चलिए चलिए, इसलिए अभी इंसान से डरती है। आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम शुभम कुमार होगा। शुभम कुमार हुआ जी। चलिए, और आप हथुआ से हैं जहाँ पे हम लोग पहुँचे हुए हैं। हम बता देना चाहते हैं कि गोपालगंज जिले के अंतर्गत आता है हथुआ, बड़ा प्रसिद्ध जगह है। यहाँ का जो राजशाही है वो भी प्रसिद्ध है। तो ये जो गिलहरी है ये आपको कहाँ से मिल गई? ये हमारे बागवान में ही, जैसे कि यहाँ दिखाई है पेड़, जैसा कि यहाँ पे पेड़ वगैरह है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं इनका जो एक बाउंड्री है, और बाउंड्री के अंदर में काफ़ी यहाँ पे पेड़ पौधा ये लगा रखे हैं। अब आगे की कहानी हम जानते हैं, तो यहाँ पे बागवानी तो हो गई इसी में से ये जी। इनको शायद अब किसी रूप में जैसे भी इनको चोट लगा हो, ये नीचे गिरी पड़ी हुई थी। अच्छा अच्छा। अब इनको जाके उस अवस्था में हम लोग देखे थे, चोटिल अवस्था में थी, फिर इनको उठाया गया, ले जाके देखा गया, फिर इनकी भी आंखें भी नहीं खुली हुई थी। अच्छा, मतलब ये एकदम नवजात शिशु थी। अभी भी तो बच्चा ही है, अभी भी मतलब बच्चे हैं, लेकिन उस वक्त एकदम नवजात जो होता है, यूँ कह सकते हैं कि 24 घंटा पहले इनका जन्म हुआ हो। और इनकी आँख, मतलब ये पाँव पे जो पिछले पाँव जो ये दिखाई दे रहा है आपको जी, जी, इसमें ये दो थोड़ा नजदीक लेते आइए, ये दोनों चोटिल पड़ा हुआ था जी जी जी। और देखिए यहाँ हम माइक पे ही चढ़ रही है, जो गिलहरी है वो देख रही है कि भाई हाँ, ये कौन सा यहाँ पे स्क्रीन स्ट्रिंग ऑपरेशन चल रहा है। देखिए इसी पे ये बैठ गई है, ये हमारे माइक पे। उसके बाद इनको उठा के ले गया गया, इनका भरण पोषण किया गया, पालन किया गया, और इनकी जो वो दवा इलाज किया गया उससे सही हो गई है। तो उसके बाद जो इनका आंख जो है, आंखें जब बंद थी ये खुली, तो पहले बार में ये इंसानों को ही देखी, हम लोगों को ही देखी। अब शायद यही कारण है कि कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं या फिर कोई जानवर ही होता है, उनकी आंखें पहली बार जिनके सामने खुले वो उसी को माता पिता मान बैठ, उसको परिवार समझ बैठते हैं। शायद इसी कारण इनको लगता है कि इंसानों से इतनी मोहब्बत हो गई है जी। ये मैं ही नहीं हूँ, यहाँ पे कोई भी इंसान आएगा तो इनको डर नहीं लगता है किसी से भी। कोई तो किसी के शरीर पे चली जा रही है। हाँ। जो इनका बाल है इसी को ये खोता समझ रही है, जैसा कि आप सभी वीडियो में देख रहे हैं। ये अपना भोजन कर लेती है और बॉडी पे ही रहती है, मेरे शरीर पे ही। और एक समय जब इनको नींद आएगी या फिर वो अपना सा खुद से ही अपना जगह ढूंढ लेती है, और ये मेरे बालों में ऐसे पीछे यहाँ पे जाके यहीं पे सोई रहती है, सो जाती है। हाँ, वहीं सोई रहती है। सकते हैं कि ये पीछे इधर उधर आती है जाती है, और इनका जो बाल है बड़ा बड़ा बाल है, और बालों को ही अपना खोता समझ लेती है और उसी में जाकर सो भी जाती है जी, है ना। एक बार इसको आप सहला रहे थे और बड़ा ये रिलैक्स महसूस कर रही थी। देखिए देखिए, और इसके शरीर पे बहुत बेहतरीन धारियां है, जिस धारी को कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जो है, अभी देखिए ये शरीर से करेंगे, जब उंगली घुमाए थे तो ये धारियां पड़ गई थी। देखिए आराम, अब आराम करेंगे, जैसे इनको कभी कभी वो होता है ना, थोड़ा सा थकान हो गया हो तो ऐसे रिलैक्स करें। ये देखिए रिलैक्स, देखिए कैसे करती है रिलैक्स, हाथ उठा, थोड़ा आप नजदीक लाइएगा ताकि हाथ उठा के ये रिलैक्स कर रही है, दिख पाए। देखिए
ये रिलैक्स कर रही हैं एकदम, ये इसको थोड़ा सा आनंद आ रहा है, इनको अच्छा लग रहा है, तो ये पूरी तरीके से सोने लगती है, हाथ पांव वैसे पसार देती है पूरी तरीके से। अच्छा एक बात बताइए, तो इसको आप खिलाते क्या है? अभी फिलहाल इनको दूध ही पिलाया जाता है, दूध वगैरह पी लेती है। हाँ। थोड़ा पिलाइए ना, चम्मच से ही दूध पिलाया जाता है। चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि ये दूध जो है वो कैसे पीती है। थोड़ा आप टेबल लाइए इधर और हम एक बार देख लेते हैं कि ये देखिए एक बच्चा दूध लेकर आ गया है यहाँ पे और हम लोग देखते हैं कि भाई ये दूध किस तरह से पीती है। ये अरे वाह वाह वाह, थोड़ा कैमरे को नज़दीक कीजिएगा, ये देखिए ना, ये तो बड़ा बेहतरीन ढंग से ये दूध पी रही है और पूरा दूध को ख़त्म कर दी। वाह जी वाह 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 वाह, कमाल है भाई, देखिए ये दूध पी रही है और चम्मच को पकड़ लेती है तो छोड़ भी नहीं रही है। देखिए देखिए बेचैन बेचैन है बिल्कुल दूध पीने के लिए, भूख लगा हुआ है ना इनको। हाँ 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 हाँ, और ये कितने बेहतरीन ढंग से पी रही है, ये देखने वाली बात है। आज आप लोग, मुझे लगता है कि पहली बार किसी गिलहरी को इस तरह से आप लोग दूध पीते हुए देख रहे होंगे और जो दोनों हाथों से वो चम्मच को पकड़ रखी है पूरी तरीके से, देख लीजिए पकड़ने का तरीका, देखिए और पकड़ने का तरीका देखिए जैसे इंसानों की तरह। और कैमरे की नज़र से तो आपको मुझे लगता है कि स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हमारी नज़रों से है जो वो उसमें पूरी तरीके से चाट जा रही है जो भी दूध लगा हुआ है। देखिए देखिए अब फिर से लिया जा रहा है और देखिए देखिए इसको कितनी बेचैनी है दूध पीने की, भूख लगी है ना। हाँ हाँ हाँ, देखिए और ये पी लिए दूध, कितनी बेहतरीन ढंग से पी रही है। मुझे लगता है कि ये लोग, आप सभी लोग पहली बार इस तरह से आप लोग किसी गिलहरी को दूध पीते हुए देख रहे होंगे। वैसे बहुत से जानवरों को आप देखे होंगे लेकिन पहली बार हम सभी गिलहरी को ऐसे पहली बार देखिए। दूध का मात्रा ज़्यादा लिया गया है और दोनों हाथों से चम्मच पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद से जैसे देखिए कितनी बेहतरीन ढंग से ये दूध पी रही है जैसे एक इंसान पीता है उसी तरह से, और अपने हाथों से पकड़ भी लेती है। क्या बात है, अब दूध पीने के थोड़ी देर बाद इनको नींद आएगा, नींद आएगा फिर ये सोने के लिए, फिर तो ये आपके बालों में, शरीर में मेरे बालों पे जाएंगी। वाह, तो देखिए ये एक कैसी मित्रता है कि ये गिलहरी है जो अपने माँ बाप को नहीं जानती है और यहाँ पे जो शख्स है इन्हीं को अपना माँ बाप मान रही है, क्योंकि सबसे पहले जो गिलहरी है इसका भी तो भोजन तीन चार चम्मच पी रही है ना। हाँ जी, जब ये बहुत छोटी थी तब इनको आधा चम्मच भी दूध नहीं पी पाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी थोड़ा सा इनका धीरे इनका डोज बढ़ गया, इनका खुराक बढ़ गया है। अब मुझे लगता है कि इसका खुराक जो है अब पूरा हो गया, पूरा हो गया, तो ये अब थोड़ा विचरण करने चल रही है ना। देखिए देखिए किस तरह से, तो ये एक अनोखी मित्रता है यहाँ पे, ये शख्स बैठे हुए हैं इनकी और इन्हीं के शरीर पे ये हमेशा रहती है और 20-25 दिन इसको हो गया, 25 दिन के आसपास, लगभग 20-25 दिन हो गया। और आप सोते हैं तो आप ही के साथ सो जाती है? हाँ सोते हैं तो हमारे साथ ही सोती हैं, लेकिन अब छोटी सी जान है ये, पेड़ मारने पे नहीं जाती है। नहीं, कोशिश किया गया था इनको, कोशिश किया गया था कि जब ये मिली थी और सही हो गई थी तो इनके माता पिता के पास इनको दे दिया जाए, इनके इनका जहाँ घोंसला था वहाँ इनको पहुँचा दिया जाए, लेकिन ये ना वहाँ गई ना इनके माँ इनको आके लेके गई। फिर हम लोग फिर उन्हें उठा के लेके अपने पास आए कि कहीं कोई दूसरा जानवर इन पे अटैक न करे। इस तरह से ये आप ही के पास रह रही है और ये पूरी तरीके से जो हथुआ है वहाँ पे प्रचलित हो गया है, कई वीडियो इनका वायरल हो रहा है कि इस तरह की वैसे जो रूखी ये जो गिलहरी है इसको अगर पकड़ा जाए तो मुझे लगता है कि गांव भर के लोगों को लगा दिया जाए, इसको तो सोचा भी नहीं जा सकता तो है इनको पकड़ना, गिलहरियों को पकड़ना वो तो हमसे तेज जानवर होती हैं, बिल्लियां वो ना पकड़ पाती हैं। अब ये जितने दिन रहेगी अगर अपने आप स्वतः चली जाती है तो चली जाती है, वो तो अब यही तय करेंगे। अब होता क्या है कि जानवर जो होते हैं बोलते हैं इनकी भाषा होती है पर हम इंसान उसे समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इनको कह देते हैं कि अनबोलता पशु है। एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं, इनकी भी अपनी एक भाषा है, अगर हम समझ जाएं तो उसे प्रेम कहते हैं, शायद उसी के बदौलत ही अभी मेरे पास। फ्रूट भी तो खाती होगी? हाँ सेब खाती हैं ये, सेब खाती, फिलहाल तो दूध ही पीती थी लेकिन कल इनको सेब खिलाया गया और ये सेब को भी बहुत बढ़िया तरीके से मतलब खा रही थी। और सेब वगैरह फल फ्रूट तो ये लोग खाते ही हैं पेड़ पे, जो भी इनका अपना पसंदीदा भोजन होता है वो बादाम, मूंगफली। तो अभी इनकी मतलब इनका दांत जो है अभी छोटा छोटा है, मूंगफली इनसे टूट नहीं पा रहा है। इसका कुछ नाम भी रखे हैं जी, इनका नाम यूसी है।
यूसी। बाजी बाबा, तो देखिए ये कितनी बेहतरीन इस तरह की दोस्ती जो है, गिलहरी से दोस्ती आप लोग जीवन में पहली बार देख रहे होंगे और मैं तो जीवन में पहली बार ही देख रहा हूँ। अब आप लोग अगर देखे होंगे पहले कभी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे इनका कहना है कि अगर ये स्वतः चली जाती है जी वो है? इनके ऊपर है जी। अभी तो ये तो मान लीजिए कि अभी चल फिर रही है पूरी तरीके से तेजी में, बढ़िया तरीके से चलती है, सब सही स्वस्थ है ये, बस हमारा साथ कब तक है ये अब यही तय कर, ये यही तय करेंगी। अच्छा, आपके घर के लोग कुछ ऐसा नहीं ना कहते हैं कि काय के लिए बेमत? नहीं नहीं, सब कोई इनसे प्रेम भाव से ही रहता है, ये सबके पास रहती हैं। ये हाथ फेर रहे हैं वो बिल्कुल शिथिल हो जा रही है, जैसे लगता हो कि उनके जो गिलहरी है उसके माँ बाप उसके सिर पे हाथ फेर रहे हो, इस तरह से वो शीतल हो जा रही है। इनका भोजन हो चुका है तो थोड़ी सी स्थिरता इनमें दिखाई दे रही है, मतलब कि अब ये सोएंगे। और आपके बालों में घुस जाती होगी तो निकालने में दिक्कत होता होगा? बिल्कुल, बहुत दिक्कत होता है। वो दिक्कत क्या होता है ये उनका घर ही समझ लीजिए, सावधानी से इनको निकालना पड़ता है क्योंकि उसमें जाती हैं तो उलझ जाती है। होगी कि यही मेरा घोंसला तो यही इसी तरह का होता है। तो चलिए मित्रों, ये है एक अनोखी दोस्ती, गिलहरी और इंसान की दोस्ती। ऐसे तो बहुत से दोस्ती आप लोग जानवर और इंसानों की देखे होंगे, लेकिन इस तरह की जो दोस्ती है आप शायद ही देखे होंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये जो गिलहरी और यहाँ पे ये शख्स है शुभम कुमार जी, इनके जो दोस्ती है, ये दोस्ती की कहानी मुझे लगता है कि जरूर इतिहास में दर्ज होगी। अब इनका कहना है कि ये जो गिलहरी है अब यही तय करेगी कि इनका गिलहरी का और शुभम कुमार का साथ कब तक रहेगा। अगर ये गिलहरी जाना चाहती है अपने माँ बाप के साथ या पेड़ पौधों पे तो ये स्वतंत्र है, क्योंकि अगर वो भाग ही जाए तो कोई रोकने पकड़ने थोड़ी जाएगा इसको, तो पूरा गांव लगा दिया। अपनी एक आज़ादी होती है जी, ठीक, जिसे प्रकृति ने दिया हुआ है कि ये वहीं रह सकती हैं। अब इनके हर चीज़ों को तो हम नहीं जान पाएंगे, कितना कितना भी हम कोशिश करेंगे। अगर इनको आजाद, मतलब आजाद रहने पे ही अगर इनकी खुशी है तो हमें इसके बांध कर रखने का कोई अधिकार नहीं है। वो बांधा भी तो नहीं गया है, बिल्कुल आपके शरीर से पूरी तरीके से चिपकी हुई है। हम लोग इन्हें खुला ही रखते हैं, इनको हम बुलाए हुए थे बाहर से और इनके साथ ही ये भी चली आई। जो सब रात के समय में हमारी मजबूरी ये होती है कि इनको अगर हम अपने पास रखते हैं, अगर हम सो रहे हैं, करवट बदल गया, नन्नी सी जान है दब गई तो तकलीफ हमें भी होगी और इनका तो नुकसान ही हो जाएगा। फिर इसलिए इनको हम रात के समय में इनके पिंजरे में रख देते हैं, ये सोती है वहाँ पे, क्योंकि पिंजरे में रखने का अर्थ ये है कि जो बिल्लियाँ होती हैं, चूहे होती हैं, वो इनको कोई नुकसान ना पहुँचा दे इसके वजह से। आप क्या चाहेंगे कि ये जो गिलहरी है ये चली जाए जंगलों में या आपके साथ ही रहे, आपकी क्या? अब ये चली जाएंगी तो तकलीफ थोड़ी तो होगी ही हमें, थोड़ा आपको, क्योंकि इनसे संबंध बन चुका है, कुछ दोस्ती बन चुका है, कुछ माया जुड़ चुका है उनके साथ। लेकिन अगर ये चाहती हैं जाना तो इनके लिए कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं, भी नहीं रखा गया है। यहाँ पे हाथ में आइए, उछल कर जाना चाहे तो जा। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि ये अपने मित्र के साथ, अपने मतलब अपने परिवार में अगर जा कर रहे हैं तो इनको ज्यादा अच्छा लगे, ज्यादा अच्छा लगे। लेकिन अब ये हमें ही परिवार मानती है अपना, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और जब तक मानती है तब तक रहती है। तो चलिए, इस तरह की है ये अनोखी दोस्ती, यहाँ पे देख रहे हैं। हालांकि ये बोल रहे हैं कि अगर ये जाना चाहती है तो जा भी सकती हैं और रहना चाहती है तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं ना कहीं ये जाती है तो थोड़ा इंसानी नेचर होता है कि कुछ ना कुछ माया मोह तो दो चार दिन को सताएगा, लेकिन क्या किया जाएगा। अब ये देखना है, हम भविष्य में भी यहाँ पे कुछ दिनों के बाद, मुझे लगता है कि 15-20 दिन के बाद हम एक बार फिर से पड़ताल करेंगे कि क्या ये जो गिलहरी है ये शुभम जी के साथ है या चली गई अपनी दुनिया में। चलिए हम फिर से मिलते। अभी तक का जो मतलब देखा गया है लगता नहीं है कि ये हमें छोड़ के जाएंगे अभी तक। चलिए हम 20-25 दिन के बाद फिर से आएंगे, ये थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, फिर से हम लोग देखेंगे कि ये आपके पास है या अपनी दुनिया में वापस चली गई। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ आप सभी कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, इनकी जो दोस्ती है वो कैसी लगी। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।